मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मेरठ आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बाबत ट्वीट कर प्रदेशवासियों को इसकी जानकारी दी। इससे पहले मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने चारों जोन में एक बार फिर से अवैध कॉलोनियों और अवैध कॉम्प्लेक्स सहित भवनों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह से चारों जोन में जोन प्रभारियों और थाना पुलिस सहित PAC के साथ अभियान चलाया गया। अवैध कॉलोनियों और अवैध कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा के लिसाड़ी खंडजा शमशान घाट के सामने 500 वर्ग मीटर में बने व्यावसायिक निर्माण को ध्वस्त किया गया। जोन ए द्वारिकापुरी के सामने नूरनगर में शहजाद की 2000 वर्ग मीटर में बनी अवैध कॉलोनी, परतापुर भुड बराल में अरविंद कुमार की 20,000 वर्ग मीटर में बनी अवैध कॉलोनी, ग्राम सिखेड़ा जोन वी में वृंदावन कॉलोनी के आगे करीब 8,000 वर्ग गज में बनी राजीव पुंडीर की अवैध कॉलोनी, शोभित विश्वविद्यालय के पास दुल्हेड़ा गांव रुड़की रोड पर 10 बीघा में काटी जा रही अवैध कॉलोनी, ड्रीम सिटी सरधना रोड पर 20,000 वर्ग मीटर में वेदनाथ यादव द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनी, जोन सी के अंतर्गत 12,000 वर्ग मीटर में ग्राम लखवाया में काटी जा रही राकेश दीवान की अवैध कॉलोनी, 40,000 वर्ग मीटर में सुमित बैंसला द्वारा डिफेंस गार्डन ने बराबर में ग्राम घाट की भूमि में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी समेत 16 मामला पर कार्रवाई जारी रखा है। मंडी सचिव चंद्रपाल तिवारी ने बताया कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत सभी चार जोन में जोन प्रभारियों के नेतृत्व में पुलिस बल और PAC के साथ 16 स्थानों पर ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों का सम्मान करेंगे। शहीद स्मारक और विक्टोरिया पार्क में शहीदों को नमन करेंगे। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ 66.71 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। राज्य सरकार की प्रवक्ता ने बताया कि मेरठ में मुख्यमंत्री का करीब 4.5 घंटे का कार्यक्रम है। इस दौरान वे 8.61 करोड़ की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास और 58.10 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मेरठ में हुई 10 मई 1857 की क्रांति को 165 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रैपिड रेल परियोजना और ITMS का भी निरीक्षण करेंगे।